उपलब्धियां हासिल करते रहने के हमारा खेल सेवाही लक्ष्य हर संभव प्रयास करते रहने के झारखंड पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हमेशा समर्पित। कार्यक्रम के माध्यम से सुदूर
विभाग आप देख रहे होंगे, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ये झांकी सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरती है। गुणवत्ता शिक्षा की ओर अग्रसर झारखंड मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के पठन पाठन के बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विभिन्न आयाम पर कार्य हो रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ते क्रम में झारखंड सरकार द्वारा सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। वर्तमान में राज्य में 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिन्हें CBSE से मान्यता प्राप्त कर अंग्रेजी माध्यम से पठन पाठन किया जा रहा है। राज्य के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में आधुनिक एवं सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, यथा अत्याधुनिक आधारभूत संरचना, अंग्रेजी माध्यम स्कूल, एकीकृत स्टेम लैब, डिजिटल स्मार्ट क्लासेस, सूचना प्रौद्योगिकी का मजबूत ढांचा, राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रशिक्षण, उत्कृष्ट विद्यालय की तर्ज पर 325 प्रखंड स्तरीय जूनियर स्कूल तथा 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय भी स्थापित किए जा रहे हैं। प्रस्तुत झांकी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय जगन्नाथपुर की है। और उसके बाद ठीक सामने अगुआ आवास, ये झांकी आप देख रहे हैं। अगुआ आवास का प्रतीकात्मक रूप इस झांकी में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से देश के गरीब और पिछड़े वर्ग लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपको बता दें झारखंड में 20 लाख से भी अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर देने की तैयारियां हो रही है। यहां राज्य सरकार ने अगुआ आवास योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकार राज्य के गरीबों को 3 कमरे वाला आवास सुलभ करवाएगी। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने इस योजना का ऐलान किया है। इन आवासों में 3 कमरों के साथ साथ 1 रसोई घर और शौचालय की भी व्यवस्था रहेगी। ये है महत्वाकांक्षी अगुआ आवास योजना। और उसके बाद सलामी मंच के ठीक सामने धीरे धीरे आगे भी झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की ये झांकी। खादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार स्वयं में एक विचार है। खादी स्वरोजगार का एक जरिया, एक कृषि क्षेत्र को समेकित रूप से कृषि के विभिन्न आयामों जैसे उन्नत कृषि तकनीक, उद्यानिक फसलों की बेमौसमी खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई की उन्नत व्यवस्था विकसित करने एवं कृषक पाठशाला की स्थापना की जा रही है। उक्त कृषक पाठशाला में स्थानीय कृषकों की क्षमता में विकास करते हुए उन्हें कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में दक्ष कर रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। झांकी के दूसरे भाग में राज्य के विभिन्न जिलों में 57 बिरसा ग्राम पर विकसित करते हुए बिरसा सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये है हमारे कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग कृषि प्रभाग की ये झांकी समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला। और इसके बाद पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार की झांकी मंच के ठीक सामने से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर केंद्रित है। झारखंड धरती है वीर बांकुड़े धीर धनुर्धारी की, जन्म भूमि पर प्राण चढ़ाने वाले की। प्रस्तुत झांकी में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन के प्रमुख स्थलों खूंटी जिला स्थित उलिहातु, डोम्बारी बुरु तथा रांची जिला स्थित बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय को प्रदर्शित किया गया है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलिहातु
ने अंतिम सांसें रांची के जिस कारागार में ली, उसे बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित प्रेरणादायक स्थलों को प्रदर्शित करती ये झांकी राज्य के वीर शहीदों को नमन करती है। ये झांकी राज्य के सभी नागरिकों को ये संदेश देती है कि अगुआ देशों अगुआ राज के ऐतिहासिकता को जानने एवं महसूस करने के लिए पूर्वी जिला स्थित भोली हाथों डोमारी गुरु तथा रांची जिला स्थित बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का पर्यटन अवश्य करें। आज हम धरती आबा बिरसा मुंडा को नमन कर रहे हैं, ये कहते हुए कि धरती आबा तुम्हें नमन, युगों युगों तक ऋणी रहेगा मातृभूमि का पावन कर। आपने जो ताकत दिखाई, आपने जो एकता का परिचय दिया, आपने जो लोगों को एकजुट काम करने का काम किया, धरती आबा बिरसा मुंडा ये राज्य ऋणी है आपका। और आज इस झांकी के माध्यम से नमन कर रहे हैं। ये है भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली, आप देख रहे होंगे। इसके साथ ही एक संदेश अगुआ देशों अगुआ राज्य का, और धीरे धीरे आगे बढ़ती झारखंड पर्यटन को बढ़ावा देती है झांकी। और उसके बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार की झांकी, जिसके अग्रभाग में बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना में बनने वाली पानी टंकी के साथ योजना का अंतिम परिणाम, पहली बार खादी के कपड़े से तिरंगे झंडे का उत्पादन किया गया है, जिसे आज की इस झांकी में आप देख रहे हैं। झांकी में तीन महिला मॉडलों द्वारा खादी के आधुनिक वस्त्रों को प्रदर्शित किया गया है। खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन एंड खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, रोजगार का बढ़ता जरिया खादी। खादी बोर्ड आज के इस अवसर पर आप लोगों से अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा खादी को अपनाएं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना महती योगदान दें। खादी है तो गांधी है, और इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाता झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग। खादी हम सबके बनते हैं, हम रोजगार चलते हैं, हम आपको आगे बढ़ाते हैं। और इसके ठीक पीछे स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार की झांकी ये ऐलान करते हुए कि टीबी हारेगा झारखंड जीतेगा। स्वास्थ्य विभाग झारखंड के द्वारा हर नागरिक तक निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में झांकी के माध्यम से टीबी रोग के उन्मूलन के लिए जानकारी दी जा रही है। किसी व्यक्ति को लगातार दो सप्ताह से खांसी बुखार भूख में कमी अथवा वजन में कमी आ रही हो तो ये टीबी रोग का लक्षण है। उक्त जीवन मिशन के तहत राज्य के हर घर नल से जल की आपूर्ति का जीवंत दृश्य एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय एवं ODF और घोषित ग्रामीण परिवेश दिखाया गया है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा द्वारा संचालित नियमित जलापूर्ति योजना दर्शाई गई है। पेयजल स्रोत के शुद्धिकरण एवं जल की गुणवत्ता की जांच तथा जल जांच प्रयोगशाला में जल सैया द्वारा जल जांच की जा रही है। आपको ये बताया जा रहा है कि बिन जल जीवन नहीं रहेगा, जल की अद्भुत महिमा तुम जानो, आज सभी से जल संरक्षण करने की बात तुम मन में ठानो। झांकी के अंतिम भाग में ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस प्लांट के माध्यम से घरों में खाना बनाया जा रहा है एवं प्राथमिक विद्यालयों में बाल संसद का प्रारूप दिखाया गया है। बाल संसद में जल कर जल संचय एवं गुणवत्ता युक्त पानी पीने के पर परिचर्चा हो रही है। पानी की हर बूंद अमृत के समान है, वर्षा जल संचयन से इसे बचाना आसान है। हर घर जल, जल जीवन मिशन, ये संदेश हमारे पेयजल एवं